इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं युवा कलाकार, युवा संगीतकार नाहिद आफरीन। नाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी बॉलीवुड में अपने कार्यक्रम के दौरान, एक रियलिटी शो के दौरान के से मिल चुकी हैं, किस तरह का उनका स्वभाव रहा है, किस तरह से आप उन्हें याद करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मैं तो पहले जब मुझे न्यूज़ मिला कल केके सर के बारे में, मैं थोड़ी देर के लिए प्रोसेस कर नहीं पा रही थी कि वो सच में, मतलब मैं आशा कर रही थी कि जो भी न्यूज़ है ये गलत हो, फॉल्स न्यूज़ हो, लेकिन केके सर गुजर गए और ये मेरा खुद का एक बहुत पर्सनल लॉस ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि हमारा चाइल्डहुड ही केके सर के गाने से हम इन्फ्लुएंस हुए थे, केके सर के गाने हम लोगों ने सुन के ही हम बड़े हुए, और मैं पर्सनली केके सर को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी और उनसे मेरी मुलाकात भी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है इंटरनेट के प्लेटफॉर्म में ही, और वो काफ़ी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत बहुत बड़े सिंगर हो सकते हैं, लेकिन वो इंसान भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ही वॉज प्योर सोल और इतना डाउन टू अर्थ इंसान मैंने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में तो नहीं देखा, बट ही वॉज लाइक अ वेरी नॉर्मल पर्सन, जनरल पर्सन, कुछ वैसा कि हम एक बड़े कलाकार हैं, बड़े सिंगर हैं, वैसा कुछ एटीट्यूड सर में था ही नहीं। हम सबसे इतने अच्छी तरीके से उन्होंने हम सबसे बात किया था और उनके भाव विचार बोल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा था, और मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हूँ पर्सनली, और मैं यही आशा करती हूँ कि वो जहाँ भी है बहुत खुश रहे। जी नाहिद, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर केके के लिए कोई उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए गीत गाना चाहेंगी तो वो कौन सा होगा? जी बिल्कुल, मैं जब मैं सोचती हूँ केके सर के बारे में, और जब मैं उनसे मिली थी तो पहले मैंने उनका ही गाना गाया था, जरा सी दिल में दे जगह तू, और ये गाना गाने के बाद ही मुझे बॉलीवुड में पहला प्लेबैक करने का मौका मिला उनके प्रेजेंस में ही, सो ही इज इंस्पिरेशन फॉर मी, तो मैं उनके लिए उनका ही एक गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। रस्ते दिल में दे जगा तू, जरा सपना ले बना, जरा सहाबों में सजा तू, जरा सयादों में बसा, मैं चाहूँ तुझको मेरी जा बेपनाह, सदा हूँ तुझे मेरी जा बेपनाह। थैंक यू, और ये गाना गाने के बाद ही मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था उनसे, ही केम टू द स्टेज, हग्ड मी, और बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिला उनसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद हमसे फिलहाल जुड़ने के लिए।